अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है मर्सराइजिंग। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मर्सराइजिंग को स्किप करना चाह रहा था, मर्सराइजिंग और सनराइजिंग को, क्योंकि इसके अंदर ज़रा केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, साइंसेज इन्वॉल्व हो जाती है, और आपको पता है कि मैं टेक्निकल हूँ नहीं, ना ही मैं टेक्निकलिटीज़ में जाता हूँ। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे ना, तो प्री ट्रीटमेंट का जो हमारा प्रोसेस है या वेट प्रोसेसिंग का प्रोसेस है, वो हमारा प्रॉब्लम में आ जाएगा, उसमें स्किप हो जाएगा। इसलिए मुझे मजबूरन थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ में आना पड़ेगा मर्सराइजिंग के अंदर। अच्छा जी, मर्सराइजिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, नज़र आया आपको? दोनों कैसे शाइन कर रहे हैं, शाइनिंग आ रही है, नज़र आ रहा है आपको? कितना शाइन मार रहे हैं ये दोनों बेड सेट्स हैं। ये जो शाइननेस आती है ना, ये शाइननेस कोई आम प्रोसेस से नहीं आती, इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे मर्सराइजिंग कहते हैं। लेकिन मर्सराइजिंग के प्रोसेस के लिए करना क्या पड़ता है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री चेंज करनी पड़ती है। जो बेसिक केमिस्ट्री होती है ना, मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, सेल, सेलुलोज जो होता है ना, ये सब का सब चेंज करना पड़ता है, और उसको आर्टिफिशियली चेंज करते हैं। यूजुअली कॉटन फाइबर या कॉटन फैब्रिक्स के अंदर ये बात मैं कर रहा हूँ आपके। अब होता क्या है, इसको ज़रा समझ लें। सबसे पहले जो इसका बेसिक सेलुलोज होता है, पहले तो आप पता है ना आपको, ये हर चीज़ इंसान है या आपके प्लांट्स हैं, जानवर हैं, सब सेल्स हैं, इसके अंदर सेल से बने हुए हैं। ये तो मेरा ख्याल है बेसिक साइंस है, बेसिक बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी के दो शाखें हैं, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। तो जो बॉटनी आती है उसमें प्लांट्स वगैरह आते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, इसकी जो सेल की वॉल होती है, सेल की वॉल नज़र आ रही है, इसे कहते हैं सेलुलोज। क्या कहते हैं? सेलुलोज। ये जो है ना, जो कपास होती है, कपास की एक्चुअली शेप ये होती है, देखें, इसे कहते हैं बीन शेप। ये जो बीन्स होते हैं ना, ये बीन शेप होती है एक्चुअली। अब इस शेप में इसके अंदर वो लस्टर या वो शाइननेस या वो खूबसूरती नहीं आती, या डाइज जो होती हैं वो इतना पेनिट्रेट करना या चिपकना या एडहेयर करना उसमें नहीं होता, कि अगर इसकी हम शेप चेंज करें तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो हम इसकी बेसिक केमिस्ट्री चेंज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको कुछ देर के लिए हम एक केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं, मेरा ख्याल है वो भी कास्टिक ही होता है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ यार, ये पता नहीं 20-22 साल पहले के एक्सपीरियंसेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कुछ 4-5 मिनट के लिए इसको डिप करते हैं। हाँ, याद आ गया। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको डिप करते हैं तो इसके जो स्ट्रक्चर है ना, जो सेल का स्ट्रक्चर है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले ये ऐसा होता है, पहले ये ऐसा बीन शेप होता है, फिर ये थोड़ी देर में ये ऐसा हो जाता है, फिर ये ऐसा हो जाता है, फिर ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। ये नीचे पट्टा देखो जो मैंने बनाया है, इस पट्टे में देखो कैसे स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। फाइनली ये अपना स्ट्रक्चर ऐसा कर लेता है, नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। और ओरिजिनली कैसा होता है, ये ऐसा होता है। अब ये क्या होता है, ऊपर से थोड़ा सा गोल हो जाता है, बीन शेप जो होती है अपनी ख़त्म कर देता है, अब ये गोल हो जाता है, गोल, ठीक है ना। इसका जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है, इसके अंदर एक्चुअली इसको स्वेल हो जाता है, स्वेल कहते हैं फूलने को, सूजने को, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इसके अंदर आप समझ लो कॉस्टिक चला जाता है, इसके अंदर फूल जाता है ये। अब जब ये गोल हो रहा है तो अब मैं ये नज़र आ रहा है, अब मैं दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। अब ये देखो, अब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो सेल की लेंथ है, सेलुलोज की लेंथ है, वो इससे छोटी हो गई। इसका मतलब है कि जो बेसिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर है वो छोटा हो गया। ये यूं भी छोटा हुआ, और सेल्स सारे कोई यूं थोड़ी रखे होते हैं वर्टिकली, कभी हॉरिजॉन्टली भी होते हैं, कुछ यूं भी होते हैं। तो यूं भी तो छोटा हो रहा है। जो सेल यूं रखने के बजाय, जो सेल यूं पड़ा हुआ है या यूं पड़ा हुआ है, वो भी छोटा हो रहा है। उससे क्या हुआ कि जो बेसिक केमिस्ट्री है वो उसकी चेंज हो रही है, और सेल अंदर जा रहा है। बात समझ आया? जब वो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो रही है और वो छोटा हो रहा है, वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो पूरे कपड़े में श्रिंकेज आती है, तकरीबन 9-10% के करीब श्रिंकेज आती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आती है, मैंने तो सुना है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन श्रिंकेज हैवी आती है। इस श्रिंकेज को बचाने के लिए इस तरह की, ये देख रहे हो बेल्ट, इस बेल्ट पे इसको खींचा जाता है ताकि श्रिंक ना हो। इसमें इतनी हैवी, देखो आप उसका पूरी केमिस्ट्री चेंज कर रहे हो, आपने उसका पूरा सेल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, आपने उसका पूरी बायोलॉजी चेंज कर दी, तो जाहिर बात है उसके जिसामत पर यकीनन फ़र्क आना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। तो वो श्रिंक मारता है कपड़ा बहुत ज़्यादा, उस श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए आप उसे खींचते हो इस तरह, कन्वे ये बेल्ट्स लगी हुई ना, देख रहे हो, इस तरह से खींचते हो उसको, खींच के रखते हो। तो इससे क्या होता है, अब जब इसके अंदर अपनी शेप चेंज की, बीन शेप से ये इस शेप गोलाई में आया, तो
अंदर लस्टर आना शुरू हो जाता है, यानी शाइननेस, खूबसूरती आनी शुरू हो जाती है।